एक आम आदमी अपनी फितरस के हिसाब से चलता है, अपने मन के हिसाब से चलता है, और एक महान आदमी की फितरत भी उसके हिसाब से चलती है। इसी विचार के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और हाजिर हूँ आपके सामने मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला अप्रैल का महीना। बहुत ही विशेष महीना रहने वाला है। दसम भाव जो पद प्रतिष्ठा का भाव है, उसमें इतने सारे ग्रह आप देख रहे हो, और गुरु एकादश भाव में बैठकर पारिजात योग बना के बैठे हुए हैं। तो ये बहुत विशेष महीना क्या लेकर आया है आपके लिए? एक नई शुरुआत होने वाली है। सूर्य मेष राशि में, जो काल पुरुष की पहली राशि है, उसमें जाने वाले हैं, और इससे पहले सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में क्या लेकर आएंगी, चाहे आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, व्यापार है, बिजनेस है, धन है, या फिर आपका प्रेम जीवन है, स्वास्थ्य का जीवन है, आपका प्रेम जीवन के साथ साथ आपका विवाह आदि है, सभी बातों को देखेंगे, धन वगैरह को भी देखेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडी हो सकती है, ये सब भी देखेंगे हम। पर सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति। देखिए पहला भाव आप देख सकते हो खाली है। ये जो वीडियो है मिथुन राशि के लिए, मिथुन जो चंद्र राशि है, जहाँ पर आपका चंद्रमा है, उसके लिए लग्न वाले भी देख सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं देख सकते, क्योंकि उनके लिए भी सच तो होगा, पर चंद्रमा का महत्व थोड़ा सा ज़्यादा है। चंद्रमा मनसो जाता है। द्वितीय भाव खाली, तृतीय भाव खाली, चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं, पंचम खाली है, छठा खाली, सातवां खाली, आठवां खाली, नवम भाव में शनि मंगल बैठे हुए हैं, भाग्य के भाव में शनि मंगल आए हुए हैं। इस पर एक अलग से भी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से शुक्र जो हैं वो आपके दसम भाव में बैठ के उच्च के हो रहे हैं, मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं, कुलदीपक नाम का योग बना रहे हैं, और साथ में वहाँ पे बुध भी बैठे हैं जो नीच के हैं, पर इनका नीच भंग हो रहा है, वक्री भी रहने वाले हैं। सूर्य 13 तारीख तक मीन राशि में रहेंगे, राहु से 8 तारीख को मिलन काफ़ी पास हो जाएगा, ग्रहण योग बनेगा, इसी कारण से संसार में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, सरकारें बदलने वाली हैं, दिस फेम चालू हो चुका है, आप देख ही रहे हो हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में, दिल्ली में केजरीवाल जी, और दुनिया में भी आप देखोगे बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे 100%। इसके साथ साथ 11वें भाव में आपके गुरु और 12वें भाव आपका खाली है। तो है ये हमारे ग्रहों की स्थिति है। अब स्थिति का जो रिजल्ट है हम उस पे आ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि दसम भाव से, ये जो दसम भाव है इससे शुरुआत करते हैं। दसम भाव, दसम, दस जो नाम आया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दशावतार सुना होगा आपने भगवान के, दसम भाव वो होता है जहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं, मतलब सबसे ऊपर होते हैं दोपहर में, जहाँ पर होते हैं, जिसके भी सूर्य दसम भाव में है, आप कह सकते हो कि भाई आपका जो जन्म हुआ है वो दोपहर में हुआ है, सूर्य बड़ी तेज़ी से निकले हुए थे। किसी भी सीजन का सूर्य हो, दसम भाव में हुआ है मतलब कि सूर्य जो था वो दोपहर का सूर्य था। अब यहाँ पर इतने सारे ग्रह आए, इसीलिए हम इस भाव को पहले दे रहे हैं कि राहु सूर्य का ग्रहण लगेगा आपका, है ना, ग्रहण बन रहा है इस महीने, सूर्य ग्रहण बन रहा है। और जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है, डिसफेम होता है, डिसफेम हो सकता है, होता नहीं है, होता नहीं है, हो सकता है, हमको थोड़ा संभल के रहना है, ऑथोरिटी के साथ, बॉस के साथ ध्यान रखना है, बड़े लेवल पर भी किसी बड़ी हस्ती का, बड़े व्यक्तियों के प्रति कुछ साजिश वगैरह होती ही है, वर्ल्ड में तो होगी होगी, इंडिया में भी हो सकती है, इस तरह की पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे बन रही है। इसके साथ साथ ये भी दिखाता है कि एक तो हर साल सूर्य राहु का ग्रहण होता है, पर ये एक स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि भगवान सूर्य के भी ध्रुव बदल रहे हैं, नॉर्थ जो पोल है वो साउथ हो जाएगा, साउथ जो पोल है वो नॉर्थ हो जाएगा, तो सरकार सत्ता बदलेगी देश में, दुनिया में भी बदल सकती है, हो सकता है देश में ना बदले, पर कुछ बड़े बड़े परिवर्तन की शुरुआत जो है इस अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो जाएगी तो 2030 तक। इसके बाद आपके लिए बस इतना ही है कि बॉस के साथ बना के रखनी है, गवर्नमेंट के साथ बना के रखनी है, 13 तारीख तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। 13 तारीख के बाद फिर ये अगर हम इस तरह से देखें तो ये राजयोग है, क्योंकि राहु केतु अगर केंद्र में बैठकर त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हों तो राजयोग बोलते हैं। तो राहु कहाँ बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, दसम भाव में बैठे हैं, और साथ में शुक्र हैं जो कि एक त्रिकोण के स्वामी है, वो राजयोग हो गया, साथ में पहले भाव का स्वामी भी है, चौथे भाव का स्वामी भी बैठा है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पर चूंकि राजयोग है तो अल्टीमेटली ये आपको कोई बड़ा गेन भी दे सकता है 13 तारीख के बाद। 13 तारीख के बाद, और कब दे सकता है, जब शुक्र की नक्षत्र में हमारे चंद्रमा जाएंगे, जो कि 19 और 29 तारीख को जा रहे हैं।
19 और 29 तारीख को हमको ध्यान क्या रखना है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, आलस्य में नहीं आना है, आलस्य में नहीं आना है, और ये सोच के कि कल कर लेंगे मौके को जाने नहीं देना है 19 तारीख को। एक तो इस बात का ख्याल रखना है, अपनों से बड़ों के साथ बना के जरूर रखनी है 19 तारीख को। और जब 29 की बात करें तो आपका नक्षत्र आ जाता है पूर्व आषाढ़ा, कड़वा नहीं बोलना है, बुद्धिमानी से काम लेना है, गुस्से में नहीं आना है, डोमिनेटिंग नहीं होना है, चीज़ों को कंट्रोल करना है प्यार से, डिप्लोमेसी से, तो फिर आपको यहाँ पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन कुछ अच्छा होने की सिचुएशन भी करियर के उसमें बनी हुई है। दशम भाव मेनली है करियर का ही। अब बुध का यहाँ पर आना, चौथे भाव का यहाँ आना, ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपका फोकस इस महीने करियर पर, जॉब पर, आपकी बाहरी लाइफ पर बहुत ज़्यादा होने वाला है, आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड होने वाले हो। चौथे भाव का स्वामी चौथे को देख रहा है पर वहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, तो आप अपना जो काम है घर पे ला सकते हो, आपके जो हस्बैंड हैं, आपकी जो पत्नी हैं, आपके जो पति हैं, वो भी अपना काम की बातें जो घर पे लेके आए, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। और स्वास्थ्य का ध्यान और घर में थोड़ा पीस बना रहे, इस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल आपको 8, 17, 27 और 25 तारीख को ज़्यादा रखना है, ये हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद दसम भाव की बात हो गई, चूंकि दसम भाव सप्तम भाव से भी जुड़ा है, इस भाव का स्वामी भी गुरु है, दसम भाव का स्वामी गुरु और सप्तम भाव का स्वामी गुरु, दोनों का स्वामी कहाँ गया, एकादश भाव में। इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं तो लाभ होने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, ये एक शुभ स्थितियों में से एक स्थिति है। पहले के गुरु, पांचवें के, सातवें के, नौवें के, ग्यारहवें के गुरु अच्छे माने जाते हैं, तो गुरु का गोचर आपका अच्छा है। अगर आपकी गुरु की दशा महादशा है, आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में हैं, तो आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ण जरूर होंगी, कुछ ना कुछ इच्छा पूर्ति आपकी होगी, खास करके जब सूर्य जब चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में रहेंगे आपके। और वो तिथियां कौन सी हैं, 6, 15 और 25, इसमें से 6 तारीख को गुरु जो है पूर्व भाद्रपद, अपने पूर्वजों के प्रति रेस्पेक्ट रखें इस दिन, बड़ों का कोई अपमान ना करें, और कोई सैक्रिफाइस देना पड़ सकता है किसी चीज़ को पाने के लिए, शायद कुछ छोटी मोटी जिसको बोलते हैं कुछ छोड़ना भी पड़े, और अगर आपका फोकस सिर्फ छोड़ने पर रहा तो जो आप पाओगे उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनको बहुत कुछ मिलता है पर उनकी लाइफ में जो नहीं होता है उनको उस पर नज़र रहते, कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, दूसरे व्यक्ति देखेगा तो भाई आपके पास तो इतना है, वो कहेंगे यार इसका क्या करें, ये तो नहीं है। तो पॉजिटिव तो आपको रहना पड़ेगा, पर कुछ मिलने के चांस जो हैं 6 तारीख को आपको बन रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी ये अच्छा नक्षत्र माना जाता है पूर्वा भाद्रपदा। इसके बाद गुरु का जो दूसरा नक्षत्र है वो 15 और 25 में आ रहा है आपका, चंद्रमा 15 और 25 में। 15 तारीख को क्या ख्याल रखना है, पुनर्वसु, चीजों को बार बार होना दिखाता है, मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार में कोई चीज अगर नहीं हो रही है, अगर दूसरी बार में प्रयास करोगे तो हो जाएगी 15 के आसपास, छोड़ना नहीं है चीजों को, तभी होगी, एक बार में होगी नहीं, और आपने सोचा यार कोशिश तो करी पर हुआ नहीं तो अब चलो दूसरा करते हैं, तो फिर मतलब हो सकता है वो चीज़ हो ही ना, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यहीं जब 25 की बात आती है तो नक्षत्र आता है विशाखा, जलना नहीं है, ईर्ष्या में कुछ काम नहीं करना है, जो भी प्लानिंग करनी है वो सोच समझ के करनी है। वैसे भी कहते हैं कि ईर्ष्या कभी भी मन में नहीं रखनी चाहिए, शत्रु के खिलाफ भी, क्योंकि अगर ईर्ष्या में आए तो आपकी प्लानिंग भी ईर्ष्या से प्रभावित होगी और वो आप ही को डुबा दे, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, इस चीज़ का हमको ज़्यादा ध्यान रखना है। ज्येष्ठा इस तरह के विशाखा जो नक्षत्र हैं ये काफ़ी मेहनत एफर्ट करा के ही रिजल्ट देते हैं, पर अल्टीमेटली ये इच्छा पूर्ति को आपके दिखा रहा है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, इन्हीं दिनों में संतान प्राप्ति के, किसी से मुलाकात के लिए और स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है। स्टॉक मार्केट में हमको शुक्र को भी देखना पड़ेगा, जब शुक्र उच्च के हो रहे हैं, और शुक्र जो उच्च के हो रहे हैं, शुक्र का जो रिजल्ट आएगा वो 2, 10, 19 और 29, इन दिनों में शुक्र से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रेम के मामले में भी ये अच्छा है। इस दिन हमको मर्यादा का हल्का सा ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि मालव्य योग जो बन रहा है वैसे तो अच्छी बात है, पर दशम में शुक्र को ऐसे ही बोलते हैं कि भाई आपका थोड़ा फेम की जगह कभी कभी डिसफेम भी दिला सकता है, तो वो हमको ध्यान में रखना है। मैरिज की बात करें तो मैरिज में आपका ठीक ही है, अच्छा है, क्योंकि गुरु की जो सातवीं दृष्टि है ये पांचवीं आई, छठी सातवीं आपके शादी के भाव पर पड़ी हुई है, रिश्ते वाले रिश्तों के लिए भी अच्छा है, रिश्तों में सुधार भी थोड़ा बहुत आएगा आपका। पर जब बात आएगी ना मैरिज का हैप्पीनेस की, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकती है। इस भाव से 1, 2, 3, 4 चौथा भाव हैप्पीनेस का होता है, वहां पर राहु है, सूर्य है, खास करके 13 तारीख तक, उसके बाद फिर मैरिज में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में थोड़ा बेटर है, तब तक हमको थोड़ा सा ख्याल रखना है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना ठीक है, बहुत ग्रेट भी नहीं है, ठीक ठीक हम इसको कह सकते हैं। धन की बात करें तो 13-14 तारीख के बाद धन के आगमन के अच्छे योग बने हैं, क्योंकि ये ग्रहण खत्म हो जाएगा, सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। पारिजात योग तो पहले से बना हुआ ही है, सूर्य का भी यहाँ पर आना तृतीय भाव का स्वामी का एकादश भाव में बताता कि आप जो एफर्ट करोगे, आप जो पराक्रम करोगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। उससे पहले राहु से सूर्य का प्रभावित होना बॉस गुरु को तो इफेक्ट कर ही सकता है, आपके पराक्रम को भी इफेक्ट कर सकता है, आपके छोटे भाई पड़ोसी से भी कुछ आपकी अनबन हो सकती है, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी कष्ट पा रहा है। किससे पा रहा है? राहु से कष्ट पा रहा है ना, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो योग बना हुआ शनि और मंगल का है। शनि मंगल एक साथ बैठे हुए, इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। अब शनि मंगल के योग को संघर्ष योग बोल देते हैं, विस्फोटक योग बोल देते हैं, बारूद योग बोल देते हैं, क्योंकि अलग सी एनर्जी है। मंगल क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, अग्नि है। शनि वायु प्रधान ग्रह हैं, तो वायु को बहुत अग्नि को बढ़ा देंगे एकदम से, तो विश्व में तो विस्फोट का होना, बम का फटना, आग का लगना, युद्ध का होना, ये सब है। आपके लिए क्या भाग्य के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव, पिता गुरु के साथ कुछ रिश्तों में दिक्कत हो सकती है, खास करके पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। धर्म के मामले में अभी आप बहुत ज़्यादा हठधर्मी हो सकते हो कि मेरी ही बात सही है, आप ही नहीं दुनिया में भी ये चीज़ दिखाई देगी आपको कि भाई मेरा रास्ता मेरा वे मेरा है तो ठीक है, बाकी का नहीं है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा मंगल शनि में दिखाई देंगी। यहाँ से मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर खर्चा आपका बढ़ाएगी। मंगल शनि दोनों की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ोसी है, पड़ोसी मुल्क, इंडिया के लिए पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर कुछ आफत आ सकती है, आपस में देशों के पड़ोसी मुल्कों में आफत आए कि आपके लिए आपको आपके पड़ोसी भाई बहन उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, और मन की शांति भंग रहेगी केतु और मंगल की दृष्टि से। माता के स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना है। शनि अपने भाव में है तो अगर आप टिके रहते हैं, चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, एफर्ट करते रहते हैं, अपने ट्रेडिशन के प्रति सम्मान रखते हैं, उस केस में फिर शनि आपको अंततः कुछ ना कुछ भाग्य आपका साथ देगा। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं कहेंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं शनि थोड़ा सा आपकी हेल्प करेंगे। आपकी ऑब्स्टिकल को भी जब आप बहुत प्रयास करोगे तो फिर आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट शनि महाराज यहां से देने वाले हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया मुहूर्त, वैसे मुहूर्त को ये शॉर्ट में है, क्योंकि अगर फुली करोगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, शॉर्ट में है। तो विवाह का जो मुहूर्त है वो 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। विवाह मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप, बिजनेस के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। 13 तारीख के बाद मुहूर्त ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि खरमास्ट होता है वो चल रहा है। इसके बाद नाम, किसी चीज़ का आपको नाम रखना है तो उसके लिए आप 12, 21, 24, 26 ये सब यूज कर सकते हो। विद्या आरंभ करनी है तो 14, 17, 18, 19 इनको यूज कर सकते हो। व्हीकल वगैरह खरीदना है तो 15, 21, 24, 26। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है तो 17, 18, 19, 24, 28, 29। और ओवरऑल चीज़ों के लिए अगर हम देखें तो 15 है, 16 है, 21 है, 25 है, 26 है, 28। इसके अलावा 7, 9, 10, 8, 13 ये भी कुछ ठीक चीज़ हैं, पर बहुत बड़ी चीज़ करनी है तो बाद में करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। गृह प्रवेश वगैरह का कोई ज़्यादा बड़ा मुहूर्त इस महीने नहीं निकल रहा है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। नवरात्रि आ रहे हैं और 13 के बाद ये आप कहोगे और भी ज़्यादा शुभता आ जाएगी। नवरात्रों में कोई काम करते हैं उसको वैसे भी शुभ माना जाता है। 9 तारीख से नवरात्रों की शुरुआत है, 17 तारीख को हमारे नवरात्रों का आखिरी दिन है। इसमें से 9 तारीख को माता शैलपुत्री, 10 तारीख को ब्रह्मचारिणी, 11 को चंद्रघंटा, 12 को कुष्मांडा, 13 को स्कंद माता, 14 को माता कात्यायनी, 15 को कालरात्रि, 16 को महागौरी और 17 को सिद्धिदात्री, सिद्धियों को देने वाली माँ दुर्गा। 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल करने की इनमें शक्ति है, क्षमता है। जो कुछ चीज़ें तो होनी ज़रूरी हैं, जैसे हम होता ना कि तो मिलना ही चाहिए, हमारे लिए ही अच्छा है, पर जो थोड़ा बहुत सही दिशा हमें दिखाई जा सकती है, माँ दुर्गा का अगर आप व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो जो भी रेमेडी ग्रहों की होती है, 9 के 9 ग्रहों की रेमेडी इनमें छुपी हुई है। इसके साथ साथ 17 तारीख की रामनवमी है, 10 तारीख की क्षेत्री चंद्र बहुत बड़ा त्यौहार है, फास्ट है, 13 तारीख को बैसाखी है, 14 को अंबेडकर जयंती और 23 को हनुमान जयंती है। आपकी पूर्णिमा के दिन होती है हनुमान जयंती हमेशा ही। इसके साथ साथ 8 तारीख की अमावस्या है, 5 तारीख की पाप मोचनी एकादशी और 19 की कमाधा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
चैत्र पूर्णिमा 23 तारीख की, प्रदोष पर 6 और 21 का, शिवरात्रि 7 तारीख की। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 26 की संकष्टि है और 13 तारीख की मेष संक्रांति, जो सूर्य का जो परिवर्तन है वो 13 तारीख को हो रहा है। तो ये हमारे त्यौहार हो गए। त्यौहार हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ये हमको दिखाते हैं, वास्तव में हमारी हिस्ट्री को दिखाते हैं, हमारी जड़ों को दिखाते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह की ज्योतिष में रुचि है, अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों से, फ्रेंड्स के, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।